कई बार हम टॉपर्स के बारे में पढ़ते हैं, लगता है तो हमेशा ही सक्सीड करते आ रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि हर किसी के पीछे कोई ना एक स्टोरी होती है. और मेरा वही था कि मैंने जेई दिया, आई कुडंट क्लियर इट. एट दैट मोमेंट मुझे लगा कि एवरीथिंग शैटर्ड, कुछ बचा नहीं, अच्छा कॉलेज मिला नहीं, पता नहीं क्या होगा. लेकिन यू नो डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन टर्न. आई गॉट एडमिशन टू अ लोकल कॉलेज इंजीनियरिंग का. और तो यही कहूँगी कि इफ़ यू आर टेस्टिंग फेलियर, यू नो, लेट दैट बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. उसको आप एक ऐसा पड़ाव बनाइए अपनी लाइफ का कि उस पर स्टेप करके उससे पॉजिटिव एनर्जी लेके आप अपने दूसरे जो भी आप डिसाइड करते हैं गोल उसकी तरफ बढ़ें. तो फेलियर से बिल्कुल घबराएं नहीं, ये एक मेरा मैसेज रहेगा सबको. फेलियर आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन बात तभी होगी जब आप डिटर्मिनेशन से उन फेलियर्स को फेस करेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि मैं क्यों ये जो गोल अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्यों करना चाहती हूँ. अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो आप दूसरे में भी कर लेंगे अच्छे से. इफ यू हैव द डिटर्मिनेशन then you can get whatever you set your heart on. This is something jo aaj ki hamari topper believes in. Hi everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm Fiona and today hum jis topper se milne wale hain unhone apne childhood dream ko is UPSC CSE jaise competitive exam ko sirf clear hi nahi kiya hai, but she's also managed to be the topper in the women candidates and also an all India rank 5. Everyone, let's welcome Srushti Jayant Deshmukh. Hi Srushti, welcome to the show. Thank you so much. So first of all Srushti, it gives me immense pleasure. Like actually jabhi bhi koi female toppers aate hai is show mein, it just makes me feel so nice. And aapke liye, like you know, we have had so many aspirants who've written that, you know, they see you as a role model and they really wanted to, you know, have you on this show. So thank you for finally making time to come here. It's my pleasure to be here and it feels good to connect with all the audience. Thank you so much. Great. So I have seen actually past mein, you know, aapke kaafi videos and you know the write-ups that I'm reading also. I have seen कि आप एक्चुअली बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प कर रहे हो विद व्हाटएवर यू नो नॉलेज दैट यू कैन शेयर एज ऑफ नाउ बिफोर यू गो अवे टू द एकेडमी. सो अ लिटिल बिट अबाउट यू नो दिस एंटायर जर्नी. आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी बट इट्स ऑल्सो द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट यू गेव फॉर दिस एग्जाम एंड यू मैनेज टू क्लियर इट विद एन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट. तो थोड़ा हमें बताइए अबाउट दिस जर्नी. टॉकिंग अबाउट दिस जर्नी, आई विल से कि व्हेन आई केम टू द सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज, it was then I started contemplating exactly what career I want to really step into. And then there was a childhood dream somewhere, I might have read somewhere, I might have listened to it, ki you have to become an IAS officer, aisa kuch tha. To fir college mein aake us dream ko maine kaha isko aage badhate hain. I started reading about it, kaise padhai hoti hai, kya notes hote hain. I could not go to Delhi while I was in the college. To fir maine kaha ki nahi, yahi se padhai shuru karti hu. तो जो भी मुझे वहाँ क्लासेस मिली, जो भी ऑनलाइन मुझे मिला कंटेंट, वहाँ से मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया. कई सारे टॉपर्स का वीडियो मैं भी देखती थी कि क्या पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो उनसे सीखती थी. ऐसा सीख सीख के एक दो साल पढ़ के अटेम्प्ट दिया अपना लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर ही मैंने ग्रेजुएशन अपना कम्प्लीट किया एंड विद गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन एबल टू क्लियर इट. तो इसके बारे में यू नो दिस इज़ वन थिंग. एक्चुअली मैंने बहुत सारे आपकी इंटरव्यूज देखे हैं, वन थिंग विच ऑलवेज कम्स अक्रॉस कि यू हैव दिस सेंस ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड यू. एंड मैंने देखा है कि यू आर यू नो क्वाइट इंटरेस्टेड इन योगा मेडिटेशन एज वेल. तो उसके बारे में आप क्या बताओगे, बिकॉज ऐसे बहुत एस्पिरेंट्स जैसे ऐसे कंपेटिटिव एग्जाम्स में उनका एक मेंटल कंडीशन उसको बिल्ड करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, यू नो, बिकॉज अगेन दिस इज एन एग्जाम ऑफ constant perseverance and also hard, you know, continuously chalte rehta hai. To us mind, state of mind ko build karne ke liye, what would you suggest? What should they do? Yes, state of mind, jaisa aapne kaha, equally important hai. We focus on material, we focus on test, we take all the material that's there, you know, we just want to leave and just don't want to leave anything. Lekin hum ye shayad bhool jate hain ki hamara mental preparation bhi equally important hai. To for a grueling exam like this, hame mentally bhi prepare hona behad zaruri hai. Exam khud ek saal ki hai. प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस, फिर पर्सनालिटी टेस्ट, उसके एक डेढ़ साल पहले से कर रहे हैं तो और जर्नी लंबी हो जाती है. तो उसमें हमें करने के लिए पॉजिटिविटी बेहद ज़रूरी है. तो आई स्टडीड इन भोपाल जहाँ पे आई रिसाइड, तो इट वाज गुड फॉर मी. वहाँ पे थोड़ा सा मम्मी से आई यूज़ टू टॉक, उनके हाथ का खाना खाती थी, पापा से बात, आई हैव अ लिटिल ब्रदर तो उससे सब मस्ती करना एंड ऑल दैट. तो दैट थिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहना, वो भी बेहद ज़रूरी है. थोड़ा म्यूजिक का सहारा लिया मैंने, टू लिसन टू सॉन्ग्स दैट बूस्टेड मी अप. एंड एज यू सेड योगा, सो माय मदर ऑलवेज फोकस्ड ऑन योगा कि नहीं, दिस इज़ वन थिंग यू शुड बी फोकसिंग अपॉन अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज.
So I'll also say ki whatever you're doing, physically also you have to be fit. Mm-hmm. Take out time for some physical workout. And jaisa meditation pe, to meditation helps you calm your mind. Thoda ek, ek peaceful sense lata hai aapki life mein. To aisa bhi kuch kariye, motivate khud ko rakhiye aur positive logon ke saath jude rahiye. You know, anybody who pulls you down, who tells you that it can't happen, stay away from those people. You know, it's just straightforward, stay away. Because in these moments when you're trying to achieve something in your life, aap kuch banna chah rahe hain, kuch karna chah rahe hain, us waqt kam se kam un logon se dur rahe. And you know, baad mein success ke aap bilkul unse mil sakte hain. Ek cheez jo bahut sare aspirants bhi poochte hain, especially if we see like the trend over the last few years, and especially is saal mein to definitely top 10 mein bhi agar main dekhu to engineers bahut sare hain. So ek question jo bahut sare aspirants jo hamare poochte hain ki do you think engineering gives you an edge to clear these kind of exams, and jo baki hai jaise jo non engineering field se hai, आप क्या कहोगे? Should they be demotivated कि उनसे नहीं हो पाएगा, या even they can manage? इस पे एक चीज कहूंगी, that comes to my mind whenever I get this question. सच में इंजीनियरिंग का कोई बहुत रोल नहीं है. ये एग्जाम है जनरल स्टडीज की. यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, सो एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ लिटिल पार्ट. सो इंजीनियरिंग एज सच रियली डज नॉट हेल्प. अब ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है इन जनरल इंडिया में अभी इंजीनियरिंग बहुत लोग ले चुके हैं. So, you know, the proportion of people who are there as engineers, वो ज़्यादा है. उस कारण से शायद results आ रहे हैं. वो एक चीज़ हो सकती है. People who have taken other backgrounds, who have taken humanities, I thought that they had an edge when I was studying. क्योंकि ये लगता है ना कि कोई graduation में history पढ़ रहे हैं, sociology पढ़ रहे हैं, तो वो अपना यहाँ पर कर सकते हैं. पर एक last में इस चीज़ के लिए ये कहूँगी कि UPSC इतना special exam है कि you coming, you're a dancer or you're an engineer, or you are a literature graduate, you know, you'll have to study. True. You know, you just, मतलब एक ऐसा नहीं मिलेगा कि यार ये portion तो मेरा उससे हो गया. पढ़ना आपको हर इसमें पढ़ने वाला है. एक level playing field है UPSC का. तो कुछ भी मन में ऐसा लेके ना चलें कि ये लिया है तो नहीं होगा या होगा या नहीं. It all depends on your hard work. उसके एक बार decide करने के बाद आप कैसे पढ़ते हैं, that plays a huge role. Graduation तो आप कुछ भी कर सकते हैं. UPSC preparation का सबसे बड़ा challenge है ये समझना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं. इसी में यूपीएससी एस्पायरेंट्स की मदद के लिए मैं पिछले 10 सालों से एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ. यूपीएससी प्रीलिम्स पे मेरी किताब अमेजॉन के टॉप 100 बेस्ट सेलर्स में है. मेरा सालों से इकोनॉमी पढ़ाने का एक्सपीरियंस और यूपीएससी एग्जाम के बदलते ट्रेंड एनालिसिस के जरिए मैं आपको सफलता की ओर ले जाऊंगा. मेरा नाम है मृणाल पटेल, मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ. तो उसी पे एक पार्ट जो आती है हमारे प्रीलिम्स के टाइम में, देयर इज अ सीसैट पेपर्स. तो इस पे बहुत एस्पिरेंट्स का ये मानना होता है कि क्योंकि इंजीनियर्स के लिए वे इजियर होता है सीसैट को क्लियर करना, एंड बहुत ऐसे होते हैं जिनके लिए मैथ्स दूर दूर तक, यू नो, उनकी अच्छी दोस्ती नहीं है उससे. सो उनके लिए आप क्या कहोगे फॉर कंप्लीट बिगिनर्स, अगर वो सीसैट की तैयारी भी कर रहे हैं एंड दे डिडंट हैव मैथ्स इन, यू नो, देयर ग्रेजुएशन, तो वो कैसे तैयारी कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द मे बी सम ऑफ दोज टॉपिक्स chapters which definitely उनको उस पे ध्यान देना चाहिए. Right. CSAT की बात पूछे, I'll share कि I was also not good in maths. Okay. Like maths was not my friend. Maths didn't like me. Okay. I tried to like it but it didn't. Okay. तो कैसे tackle करना है? CSAT का ये कहूँगी, first good thing for you, anybody who's a beginner in maths and नहीं जम रहा है, it's a qualifying paper. You know, आपको उसमें पूरे के पूरे नंबर नहीं लाने हैं, सारे question attempt नहीं करने हैं. तो smart strategy बनाइए. You have to just get about, I think, 66-70, इतना marks लाना है. Aim for 100, aim for something like that. Topics का बोलूँ तो मुझे भी थोड़ा maths का वो था. तो I focused on the comprehension part. English comprehension पूछते हैं. तो I attempted that in the paper. पहले मैंने वो questions किए, English वाले और language वाले वो कर लिए. तो I know कि हाँ वहाँ पर मुझे marks मिल जाएंगे. उसके बाद भी very selective while you are attempting the paper. जो क्वेश्चंस लग रहे हैं यार ये फटास से हो सकता है, उनको आप जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए. तो पेपर अटेम्प्टिंग पे वर्क कीजिए. हमेशा हम ऐसा नहीं कर सकते, यू नो, वी आर नॉट एनसाइक्लोपीडियाज, हम हर चीज़ पढ़ के नहीं जा सकते. तो थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाइए. आई डिड दिस, पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, फिर आई न्यू कि हाँ आई हैड दिस 15-20 क्वेश्चंस विद मी. फिर मैंने मैथ सेक्शन अटेम्प्ट किया, वहाँ पे जो जो इजी लगा वो किया. अनदर थिंग एक कहूँगी कि सीसैट जो पूछा जाता है मैथ्स, उसमें 10th तक का मैथ्स है.
अभी इस साल और लास्ट ईयर का, हाँ मैं कहूँगी कि थोड़ा सी सैट का लेवल हाई हो गया है, बट विथ रेगुलर प्रैक्टिस आप कर सकते हो. जैसे मैं संडेज़ को ऐसे लिखती थी, वैसे आप संडेज़ को कुछ सी सैट का 1 आवर आप निकाल लीजिए और उस दिन आप पक्के से सी सैट प्रैक्टिस कर लीजिए. कई बार हम इग्नोर करते हैं, किसी चीज़ से डरते हैं तो उनसे भागते हैं. उनसे भागिए मत. जो आपको डर लग रहा है जिस चीज़ का, उसको ज़्यादा फेस कीजिए, कभी फेमिलियर विद दैट टॉपिक, और संडे टू संडे की प्रैक्टिसिंग आई थिंक हो जाएगा, इतना टफ नहीं है. तो श्रुष्टि, हमने सी सैट के बारे में तो बात किया, प्रीलिम्स की जो जीएस पेपर्स होते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं. बिकॉज जैसे कि आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन जो कंप्लीट बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए द सिलेबस इटसेल्फ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि उसको डीकोड कैसे करें, कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है. बिकॉज आई डिड रीड समवेयर कि आपने भी मेंशन किया था, बिकॉज online learning has made it very easy, but also बहुत ज़्यादा distractions आ जाते हैं, so you don't know where to stop. तो उसके लिए आप क्या बताओगे हमारे aspirants को, where, how should they go on with the studies, syllabus को कैसे decode कर सकते हैं, what would be the pointers? Okay, like I always say, syllabus is the thing, you know, that's the basic thing and the ultimate. It's your guide from the first day of your preparation till the day of your interview. आपको अपना syllabus आपने सामने रखना ही है. कमिंग टू डिकोडिंग द सिलेबस, तो प्रीलिम्स का इफ़ यू सी द सिलेबस काफ़ी कम है, 5 to 6 लाइन्स में दे जस्ट एंड इट अप. मेन्स इज अ थिंग जो बहुत अच्छे से डिटेल में उन्होंने किया हुआ है, बताया हुआ है UPSC ने. कमिंग टू द प्रीलिम्स सिलेबस, 4 फेजेस में आप बांट सकते हैं. जैसे यू कैन स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर्स, वो एक डायनामिक पार्ट कवर करता है. कोई भी चीज़ हो, जैसे इकोनॉमी में है, इकोनॉमी में स्टैटिक हमने पढ़ लिया कि रेपो रेट क्या होता है. नेक्स्ट डे यू फाइंड इट इन द न्यूज़पेपर कि यू नो इट हैज़ बिन इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, वो आप करंट से कवर कर सकते हैं. तो आप अपनी प्रेपरेशन स्टैटिक प्लस करंट दोनों को मिला के करिए, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई लाइक टू टेल. दूसरा, सिलेबस के लिए NCERTs आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. वो आपकी बेस बुक्स हैं, कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक पिक करते हैं उसके पहले आप NCERTs अच्छे से पढ़ लीजिए एंड गेट एन आइडिया. कई बार हमको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो वो हिस्ट्री को जल्दी से कवर कर लेते हैं, लेकिन मुझे हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगती थी, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम उसमें. तो ऐसे अपने हिसाब से आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए एंड NCERTs, न्यूज़पेपर्स, देन स्टैंडर्ड बुक्स, उनको भी कवर करना है. ज़्यादा मल्टीप्लाइड सोर्सेज नहीं रखने हैं. अगर अभी कन्फ्यूजन होता है कि यार ये आने वाला है नहीं आने वाला है, तो आपका एक गाइड और है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स. उनको देखते रहिए किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड है, उसको खुद ही एनालाइज करिए. ये एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारे बहुत बड़ी कोचिंग्स के टेस्ट लगाएं या यू नो कुछ ऐसा अलग करें. आप खुद भी अपने लेवल पर इस एग्ज़ाम को समझ के पढ़ सकते हैं. तो पहले तो फियर हटा दें इस एग्ज़ाम का कि इतनी बड़ी कंपटीशन है. ये है, मैं कहूँगी फॉर्म बहुत लोग भरते हैं, कंपटीशन वैसे लगता है, लेकिन सीरियसली में बहुत कम लोग प्रिपेयर करते हैं. तो आपका कंपटीशन उन सब लोगों से नहीं है जो फॉर्म भर रहे हैं, आपका कंपटीशन उन केवल सीरियस कैंडिडेट से है, लिमिटेड, जो सच में इसका पढ़ रहे हैं. तो यू कैन एट योर ओन लेवल फाइंड आउट फ्रॉम द पेपर्स, गो थ्रू द NCERTs, रीड द स्टैंडर्ड बुक्स, और फिर आंसर राइटिंग एंड टेस्ट ये लगा सकते हैं. परफेक्ट. तो श्रुष्टि, जैसे कि आप प्रेपरेशन के बारे में ही आपने बताया, तो क्या आप ज़रा हमारे एस्पिरेंट्स को ये भी बता सको कि से फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए भी, बट प्रीलिम्स के लिए फॉर नाउ, एग्जैक्टली रिसोर्सेज आपने क्या यूज़ किए थे फॉर द डिफरेंट पेपर्स? ओके, फॉर प्रीलिम्स आई स्टार्टेड विद द NCERTs, एज आई सेड वो पूरा बेस्ड रहेगा. मैंने अपना प्रेपरेशन ज़्यादा डिवाइड नहीं किया टूवर्ड्स प्री और मेंस, आई केप्ट इट एन इंटीग्रेटेड वन. जैसे जैसे प्री पास आता गया, जैसे फ्रॉम फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स, फिर मैंने कम्प्लीटली ओरिएंट कर दिया था टूवर्ड्स प्री. उसके पहले मैंने प्री मेंस दोनों साथ में लेके चले. स्टिल फॉर द सोर्सेज, फॉर पॉलिटी सेक्शन आई रेड द एम लक्ष्मीकांत बुक, हु इज़ द ऑथर. फॉर इकोनॉमी आई रेड मिस्टर रमेश सिंह बुक. देन आई रेफर्ड एक्सटेंसिवली टू द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे नीति आयोग का एक्शन एजेंडा है. यू नो दीज ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट. कुछ वहाँ से कीवर्ड्स पिक करके भी UPSC सवाल पूछ लेते हैं, तो कीप अ ट्रैक ऑन दैट. न्यूज़पेपर्स इज द बेसिक सोर्स. कमिंग टू हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आई रेफर टू द स्पेक्ट्रम बुक बाय मिस्टर राजीव अहिर. देन फॉर द एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, आई रेड द तमिलनाडु टेक्स्ट बुक क्लास 11th. फॉर मेडिवल हिस्ट्री आई ओनली रेफर टू द NCERTs. फॉर द इंडियन कल्चर पार्ट आई रेड द बुक ऑफ नितिन सिंघानिया, आर्ट एंड कल्चर, एंड ऑल्सो रेफर टू द CCRT वेबसाइट. कमिंग टू जियोग्राफी,
I read the base book of GC Lyon, which is there. But still, you can also, NCERTs will be your starting point, and maps that will supplement your geography, and atlas that is equally important for geography. I think that sums up. Anything left? Yeah, economy, I covered Mr. Ramesh Singh's book. I think that's all. Perfect. And science and tech ke liye specifically kuch extra? Yes. Science and tech ke liye, no. I did not refer to any book. I think science and tech, agar, and if UPSC asks, then it is related to your current what's happening, what's dynamic. Mm-hmm. So, you know, keep a tab on your newspapers. Mm-hmm. Agar wahan pe koi lagta hai, you know, sometimes koi question aa gaya ki there's this RNA protein thing or anything, Cas9, as it was asked in the prelims paper this year. Aisa kuch newspaper mein dikhta hai. Mm-hmm. So please, you know, just Google it. Find out about the background information. बहुत सारा आपका काम curiosity से हो जाएगा अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार इसका background मुझे नहीं पता है तो वहीं पे just Google it, find out उसके पीछे क्या है, वो portion आपको वहाँ मिल जाएगा. Just make your own short notes and you're covered. So you don't need to run towards new books, कुछ नया material, कुछ नया, कुछ नहीं. आप खुद अपना material बना सकते हैं. Just be a little curious. Perfect. So curiosity is very important यहाँ पे. तो एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सृष्टि, क्योंकि आपने NCERT भी mention किया, so बहुत सारे aspirants के दो major you know doubt रहते हैं. एक तो ये कि भाई old NCERT या new NCERT, और एक है कि is it necessary 6 to 12 की पूरी NCERT complete करें या 9 to 12 या 11-12 is suffice. You know there are about 800 students have cracked this exam. And they'll have 800 ways to do it. True. So I'll tell mine. क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं. थोड़ा मैं अपना बता देती हूँ. मैंने ये किया कि I refer to only new NCERTs. Old I did not refer. Then coming to the standard, I started from 6th. Because थोड़ा मुझे बेस नहीं आ रहा था क्या है, थोड़ा साइंस की तरफ हो गया था तो भूल गए थे. तो I started from 6th, but only social science. I did not read science. 6 to 12th केवल सोशल स्टडीज की मैंने रेफर की. एंड प्लीज फोकस ऑन दी एनसीईआरटीज फ्रॉम 9 टू 12th. वहां पे थोड़ा फोकस बढ़ा सकते हैं, पर रीडिंग आप पूरा करो 6 टू 12th. दैट इज माय टेक. परफेक्ट. तो प्रीलिम्स के बारे में तो आपसे बातें हो गई. अब क्योंकि ऑब्वियसली इस साल की प्रीलिम्स भी हो चुकी है, लोग सभी अपने मेंस की तैयारी में लगे हुए रहेंगे. सो दिस टाइम फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस बहुत लोगों के लिए एक क्विज रहता है कि भाई अब क्या करें. प्रीलिम्स के मेंस के बीच अ लॉट ऑफ पीपल यही सोचते सोचते दे एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो आप हमें बताइए ये प्रीलिम्स के मेंस से मेंस के टाइम का जर्नी जो था उसमें आप क्या कर रहे थे एंड हाउ डिड यू डिवाइड योर टाइम फॉर योर प्रिपरेशन. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और टाइम भी है. हमें कुछ 3-4 months, 3.5 months मिलते हैं. अराउंड हाफ मंथ हम इसमें वेस्ट कर देते हैं कई बार कि कट ऑफ क्या जाएगा और क्या हम सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं जी. तो ये अगर आपके साथ कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के साथ, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम. दैट विल बी माई थिंग. मैंने भी थोड़ा वेस्ट किया था, पर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आई विल से कोई आउटपुट नहीं मिलता है. जो कट ऑफ जाएगा वही जाएगा, वी कैनॉट चेंज इट. सो वट एवर यू हैव डन, एनालाइज योर पेपर लिटिल बिट, but keep it away. Take a break of 1 week, thoda freshen yourself up, and then when you start, focus extensively on answer writing. Now is the part and revision. Jitna padhna tha, thoda hum brush up abhi kar sakte hain. Kar, jaise humne kuch topics aise hain jaise keval mains mein aate hain. You have internal security, ethics, a full paper, 250 marks. Jee. That we haven't read for a long time, kyunki hum pre-K preparation mein busy hote hain. To un topics ko aap pick kijiye. ऑप्शनल हमारा एक ऐसा पार्ट है. एक ये चीज कहूंगी, हम जीएस पढ़ के बोर हो गए होते हैं प्रीलिम्स के लिए अब 2-3 महीने से. तो आप ऑप्शनल से शुरू कर सकते हैं. ऑप्शनल को आप लिमिटेड एक सिलेक्टेड टाइम दीजिए. मैंने पहले ऑप्शनल किया, देन आई पिक्ड अप माय जनरल स्टडीज पेपर. पर यहाँ पे आप केवल ये मत सोचिए कि यू नो टेस्ट में क्या आ रहा है. थोड़ा अपने दिमाग से भी, इफ समथिंग यू नो देयर इज अ टॉपिक ऑफ जजेस इम्पीचमेंट कहीं पे था, दैट वॉज एंड इट वॉज आस्क्ड इन दिस एग्जाम. ऐसा ही कुछ अगर आपको न्यूज़पेपर में मिलता है कि यू नो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो जस्ट नोट इट डाउन एंड फ्रेम योर ओन क्वेश्चन एंड आंसर ऑन इट. खुद के बेसिस पे भी थोड़ा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछा जा सकता है. उन एरियाज पे भी ज़्यादा फोकस करो. एंड एक और चीज़, कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में कोई सवाल पूछा है, उसी को डिटेल में मेंस में पूछ लेते हैं. तो जो अभी प्रीलिम्स में आया है उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से एनालाइज कीजिए. उनसे रिलेटेड जो भी डीपर बनता है मेंस के लिए उस पर भी वर्कआउट कीजिए. एंड प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. प्लान योर टाइम रियली वेल, डोंट वेस्ट योर टाइम एट ऑल. इफ यू आर इन एंड इफ यू हैव मेड इट, दिस इज द टाइम एंड मेंस इज द स्टफ यू नो जहाँ पे यू कैन एंश्योर योर नेम इन द लिस्ट. तो वर्क हार्ड फॉर मेंस,
राइट आंसर्स, एटलीस्ट राइट 3 to 4 आंसर्स पर डे, गेट इट इवेल्युएटेड कहीं से बाय योर मेंटर्स, जॉइन सम टेस्ट सीरीज, दैट कैन बी डन. सो कीप योर सेल्फ डिसिप्लिंड एंड यूज एवरी सेकेंड ऑफ योर्स. ग्रेट. आई थिंक श्रुष्टि ये बहुत ही अच्छी टिप आपने दी थी, स्पेशली कि प्रिलिम्स में जो भी आया है उनके को तो डेफिनेटली उन टॉपिक्स को तो डेफिनेटली इन डेप्थ थोड़ा यू नो मेंस के लिए आप भी पढ़ लीजिए. सो दैट इज डेफिनेटली समथिंग दे शुड डू. एक चीज जब आपने मेंशन किया, यू नो दैट जस्ट ब्रॉट बैक दैट क्वेश्चन टू मी, आपने बताया कि नोट डाउन कर लेना जो इम्पोर्टेंट लगे. तो नोट मेकिंग एज यू मस्ट ऑल्सो बी नोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर यू नो प्रिपरेशन. तो नोट मेकिंग के लिए इफ यू कुड शेयर सम टिप्स और यू कुड यू No, just tell all our aspirants कि आप नोट मेकिंग कैसे करते थे. राइट. नोट मेकिंग यू नो मेरे साथ ऐसा था, किसी के नोट्स मैं पढ़ती थी इतना समझ में नहीं आता था. खुद के नोट्स में when we write in our own handwriting and we have processed that information, तो revision भी easy हो जाता है. इसीलिए मैंने खुद के नोट्स पे फोकस किया. एडिटोरियल सेक्शन था स्पेशली, उसको नोट डाउन करती थी. एक टिप कि मेक योर नोट्स इन प्लेन A4 साइज शीट पेपर्स, बिकॉज वहाँ पे वी हैव टू राइट इन प्लेन शीट्स, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रूल पेजेस. तो लेट्स प्रैक्टिस फ्रॉम हियर. आई मेड माई नोट्स देयर, पॉइंट फॉर्मेट में लिखती थी और डिपेंडिंग ऑन दी डिमांड. कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में कोई स्टेटमेंट रहता है विच यू फील यार दिस स्टेटमेंट कैन बी डायरेक्टली कोटेड इन माई आंसर एज अ कंक्लूजन और एन इंट्रोडक्शन. तो वैसे स्टेटमेंट्स को आप डायरेक्टली अपने नोट्स में लिख लीजिए. एक और चीज़ कर सकते हैं, आप कहीं पे डेटा आपको मिलता है न्यूज़पेपर में, यू नो कि 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज एनीथिंग, यू नो वी गेट सच डेटा. दिस डेटा कैन बी कैन यू नो सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट इन योर आंसर. तो इस डेटा को अलग से आप एक नोटबुक में नोट कर लो और जब भी आप उसका आंसर लिख रहे हो कोट दैट डेटा वहाँ पे. प्रैक्टिस इट इन योर आंसर्स एंड व्हेन यू ऐड टू योर नोट्स, कुछ भी नया जब आप लिख रहे हो तो बस थोड़ा सा पेजेस पलटा के पीछे देख लीजिए कि क्या लिखा है. हर दिन पूरा नहीं पढ़ना है, बट इवन इफ यू ग्लांस थ्रू दोज नोट्स, यू नो वो थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा, वो दैट विल हेल्प यू इन रिविजन. तो डोंट टेक शॉर्टकट्स, मेक योर नोट्स, दैट विल यू नो इंक्रीज योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टॉपिक. एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जितना ऑर्गेनाइज हमारे नोट्स होते हैं उतने अच्छे और ऑर्गेनाइज हमारे आंसर्स हो जाते हैं. तो focus on that. Great. So organize your you know notes, that will organize your answer and that will get you a rank hopefully. Yeah. Great. So Srushti, ek cheez mujhe bataiye, since you know aap itna detailed information de rahe ho sab kuch mein, I just want to know ki Srushti as a person aap kaise ho? Are you like an introvert, bahut hi restricted logo se aap milte ho, ya are you an extrovert, you like to you know just socialize, meet people, more of an adventure junkie, kaise ho aap like you know in your day to day life? You know, when I started in school, I was an extrovert, meeting with people, doing all the stuff. Okay. When I came to the college and I stepped into this preparation, I made a shell around me. Okay. Nahi, ab thoda sa, you have to focus on it. I could not connect and did not connect with a lot of my friends. So, this was a transition that I made. But in the past 2 months after my result, I have been connecting with so many people. So, you know, things are changing for me. So I'm kind of in a kind of a transition state. I didn't like to speak so much, but now I'm getting an opportunity to speak so much. So it's like a transition phase for me right now. Great, great. So, you know, with the prelims done and the mains about to come, you've also explained ki this entire phase mein aap kya kar rahe the. Let's go back to mains because ab mains aane wala hai. Aapne already prelims mein hame resources to bataye, aapne kya use kiya. Means के लिए if you can you know tell us कि if you used anything different or anything additional to what you were using for prelims, means के लिए sources क्या थे आपके? Okay, so जो topics हमारे pre में आ चुके हैं general studies के, वो तो उसके sources same रहेंगे. But there are other topics like in paper 1 you have world history. जी. उसके लिए you will have to read another book. The World War I and World War II part, I read from Norman Lewy. I made my own notes out of it. And either you have some material notes available, you can read it from there, the rest part of world history. Then, you know, in paper 2, which is a lot with polity and international relations. So, uske liye kuch bhi, jaise there's a website of PRS Legislative Research. Yeah. They, you know, they make summaries of the acts that are there or the bills that are there. So, I used to go there and go to that website, find out what's there, get a printout, anything, you know, you just have to read it. Then there are reports of different committees that are formed. You can access it from there. So, current pe zyada maine fir focus karna shuru kiya. Current se derive karke jo bhi topics mujhe lag rahe the, un pe focus kiya. International relations ke liye aap the official website of Ministry of External Affairs,
वहाँ पे यू'ल गेट यू नो हु इज कमिंग हु यू नो ग्रेट पर्सनालिटी और मे बी अ लीडर ऑफ सम नेशन इज कमिंग टू अ कंट्री. तो वहाँ से देखिए उस कंट्री का क्या बैकग्राउंड है, वैसे एक्सेस कीजिए. कमिंग नाउ डायरेक्टली टू जनरल स्टडीज पेपर फोर, एथिक्स के लिए मैंने पहले अपना एक डेफिनेशंस पार्ट, लेक्सिकॉन इज अ बुक, वहाँ से थोड़ा सा मैंने डेफिनेशंस आई रेड इट फ्रॉम देयर. उसके ऊपर फिर आई यूज टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ केस स्टडीज. तो केस स्टडीज़ की कोई भी बुक आप ले सकते हैं, जो ओनली फॉर केस स्टडीज़ यू कैन टेक अ बुक. वहाँ पे यू कैन प्रैक्टिस इट एवरी ऑल्टरनेट डे और व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग एथिक्स. और थोड़ा प्रैक्टिकल रखना है अपने आंसर्स एथिक्स में. एथिक्स में मेरे ख्याल से यू नो आई विल टेल माय थिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग लीस्ट मार्क्स इन एथिक्स बट आई गॉट मैक्सिमम इन इट आउट ऑफ माय फोर. सो इट्स अनप्रिडिक्टेबल. करना मेरे ख्याल से बस इतना है कि एथिक्स को ये थोड़ा डिटेल में बताती हूँ. इसके दो पोर्शंस होते हैं पेपर के. द पार्ट वन इज अबाउट डेफिनेशंस, दे विल गिव यू अ कोटेशन एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट. द सेकंड पार्ट इज द केस स्टडीज. नाउ केस स्टडीज इज समथिंग जहाँ पे काफ़ी चीज़ें रिपीट होंगी और चीज़ें ऐसी हैं जैसे दे वॉन्ट टू टेस्ट योर क्वालिटी लाइक इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन. सो व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग अ केस स्टडी, mention it there, you know, ki if this action is taken, this quality is something which I'll be showing. Mention it in your answers pretty well. When you start writing the answer, describe on what position you are in. Kabhi kabhi wo hame batate hain ki you are an SP, they'll tell you you are a collector of a district. So first explain your position, ki given in this case study, I am a collector aur mere paas itne itne powers aur ye responsibilities hain. Apna ek center bana lijiye wahan pe, fir aap kya karenge usme, fir wo likhiye. डेफिनेशंस पार्ट को कवर करने के लिए छोटे से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि ऑनेस्टी को कैसे लिखूंगी, डिटर्मिनेशन, टीम वर्किंग, लीडरशिप, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड कीप रिवाइजिंग देम. एंड यू नो ऑल्सो गो थ्रू दी कोटेशंस ऑफ ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी जी, देन अब्राहम लिंकन, इंटरनेशनल, नेशनल, एनीवन. जस्ट कीप रीडिंग दैट कोटेशंस, कहीं आपको याद आ जाए तो आप आंसर में उसको लिख सकते हैं. तो ऐसे करके प्लानिंग कीजिए और डिवाइड योर टाइम वेल इन योर दिस वन मीन्स. ऐसे ही छूट गया, ऐसे के बारे में बताऊंगी कि आई डिडंट गेट गुड मार्क्स इन ऐसे. नहीं पता था, ऐसे ही वाज योर, या इट वाज दैट लो पॉइंट. तो बट स्टिल आई वुड से कि प्रैक्टिस योर एसेज संडे टू संडे, गेट अ मेंटर हु विल चेक एंड इवैल्यूएट योर एसे. एंड आजकल फिलोसॉफिकल एसेज पूछ रहे हैं, यू नो जनरली यू नो इट यूज़ टू बी कि एक टॉपिकल आता है और एक फिलोसॉफिकल आता है. लास्ट टाइम जैसे मेरे पास दोनों एक फिलोसॉफिकल एसेज दे रहे थे. okay. तो उस पर भी प्रैक्टिस कीजिए, यूपीएससी विल ट्रिक यू. सो प्लीज़ डोंट लीव एनीथिंग. एंड कमिंग टू ऑप्शनल्स, यू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेन्स. आई हैड सोशियोलॉजी एज माई ऑप्शनल. तो प्रीलिम्स के पहले एक स्टडी मैंने पूरा किया था ऑप्शनल का. तो प्रीलिम्स के बाद सारा रिविजन पर ध्यान दिया. Okay. जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगी, उनको अच्छे से ब्रशअप किया. टेस्ट ज्वाइन किया था तो उसको अच्छे से दिया. इवैल्यूएट योर टेस्ट ऑल्सो. व्हेन यू आर गिविंग अ टेस्ट, डोंट जस्ट यू नो गिव द टेस्ट एंड लीव इट. नहीं, आंसर कॉपी जब चेक होके आ गई उसको अच्छे से पढ़ो, क्या गलतियाँ हैं क्या नहीं है, वर्क ऑन दोज ऑल्सो. ऐसा करके बहुत सारी सोशियोलॉजी के लिए रिसोर्सेज आपने कौन सी यूज़ की थी? I started with Herlambus and Heald. There's a book, small orange color book for paper one of sociology. Then some chapters like methodology can be done from Herlambus and Holborn. That's a big blue book. Okay. And then this will cover the thinkers part of your preparation in paper one. Coming to paper two, वहाँ के thinkers के लिए there's a book written by B.K. Nagla, Indian sociological thinkers. वो वहाँ से किया. उसके बाद there's the material of EPG Paathshala, you know, this is a very good initiative where teachers from all across India, they teach you subjects like sociology and psychology and political science. Okay. So just log into this EPG Paathshala, you'll have good videos and good material there. I made my notes from that source, aisa karke notes bana ke, and write a lot of answers. Check yourself, test yourself pretty well and practice the previous year question papers, you know. ऑप्शनल में ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऑप्शनल में ट्रेंड्स रिपीट होते हैं. देर आर टॉपिक्स विच गेट रिपीटेड. ऐसा जीएस में नहीं हो शायद, लेकिन ऑप्शनल में ज़रूर होगा. तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स अच्छे से सॉल्व करके जाइए. परफेक्ट. तो फिर भी क्योंकि अभी आप बता रहे हो देयर इज ऑब्वियसली सो मच टू कवर, राइट? तो दिन में अगर मैं पूछूं आप कितने घंटे पढ़ते थे एंड हाउ मच टाइम वुड यू गिव टू यू नो रेस्ट एंड मे बी सम कोकरिकुलर? या मेजर पार्ट ऑफ माई प्रेपरेशन वॉज इन माई कॉलेज, क्योंकि आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर और मेरे कॉलेज का लास्ट एग्जाम था, उसमें और प्रीलिम्स में 14 डेज का गैप था.
तो वो एक इतना हेक्टिक टाइम था, इसलिए मेजर प्रेपरेशन कॉलेज के साथ किया. उसके साथ जितना मैं 5 to 6 hours निकाल पाती थी कॉलेज के साथ, आई यूज्ड टू गिव. प्रीलिम्स के बाद जब आई वॉज फ्री, फिर तो जितना टाइम है सब कुछ इस एग्ज़ाम को दे दिया मैंने. आई से कई बार ऐसा होता है, आप कॉलेज के साथ कर रहे हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हो तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी आप प्लानिंग अच्छे से करिए. यू नो वन थिंग विल हेल्प यू, प्रायोरिटाइज इन योर माइंड कि आप असली में क्या चाहते हो. डू यू वॉन्ट दैट कॉलेज, डू यू वॉन्ट दैट डिग्री और दैट जॉब, और यू वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम. थोड़ा सा माइंड में प्रायोरिटाइज कीजिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली एंड स्क्वीज योर टाइम. कहीं से भी आप खींच सकते हैं. देयर इज एन ऐप, यू नो, सेव माय टाइम. सो व्हाट आई डिड, आई ट्रैक्ड माय टाइम एवरी ईच डे कि वेयर माय टाइम वाज गोइंग. फिर आई केम टू नो कि यहाँ पे कम कर सकती हूँ, यहाँ पे कम कर सकती हूँ. ऐसे करके आई फिर मेड माय ओन टाइम टेबल. एंड कीप योर टाइम टेबल फ्लेक्सिबल, ईच डे इज डिफरेंट. So while before you sleep, just take 15 minutes out to plan your day in advance, what topics you're going to cover. That way plan your time and manage your time that way. Great. तो ये तो रही भाई बात सृष्टि हमारे प्रीलिम्स मेंस एंड उसके दौरान के बारे में. एक चीज़ अब आप हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटरव्यू राउंड, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट राउंड रहता है. एंड सिंस आपका तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, सो यू नो इट्स लाइक बेसिकली पहले ही अटेम्प्ट में यू मैनेज टू क्लियर द एग्जाम. तो इंटरव्यू के बारे में आप बताइए, आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही थी, व्हाट डिड यू डू फॉर द प्रेपरेशन, क्या आपने यू नो कोई स्पेसिफिक यू नो किसी स्पेसिफिक टॉपर का इंटरव्यू देखा था, एनीथिंग लाइक दिस, किसने आपको हेल्प किया फॉर दिस इंटरव्यू राउंड. राइट, पर्सनालिटी टेस्ट यू नो इज लाइक अ चेरी ऑन द केक ऑफ योर रिजल्ट. इट विल टेक यू एट द टॉप और इट माइट पुल यू डाउन. तो आफ्टर यू हैव गिवन योर मेंस, एक तो अभी कहूंगी वी आर शूटिंग इट हियर, प्रीलिम्स मेंस आने वाला है, इस टाइम पे बिल्कुल इंटरव्यू पे फोकस नहीं करना है. डोंट थिंक कि क्या बोलूंगा वहाँ पे, डैफ में, हॉबीज में, कुछ नहीं. अभी डोंट गिव योर टाइम देयर, अभी इज मेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आफ्टर यू हैव गिवन योर मेंस, यू गेट अबाउट 2 to 3 months जब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला होता है, वो परफेक्ट टाइम है. उस टाइम पे मैंने एक तो जैसे यू सेड इट वॉज द फर्स्ट टाइम, आई हैड नेवर, एंड यू नो आई नेवर ऑल्सो सैट फॉर एनी कैंपस इंटरव्यू इन माई कॉलेज. तो मेरे लिए इट वॉज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ एंड सीधा सीएससी वाला. तो बहुत सारे फियर्स थे. तो उसके लिए पहले तो आपको खुद को जानिए, यू नो वी फॉरगेट आवर सेल्फ इन दिस प्रेपरेशन, बट रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ. अपना डैफ प्रिंट कराइए, रीड इट प्रॉपरली, ईच एंड एवरी वर्ड जो उसमें लिखा है, कुछ भी मैंशन किया होगा ना, प्लीज़ रीड इट. उस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए. जैसे आई कम फ्रॉम कामिल कॉन्वेंट स्कूल, आई डिड माई स्कूलिंग देयर, सो आई रिसर्च्ड ऑन माउंट कामिल एंड एवरीथिंग दैट वॉज एसोसिएटेड विद द नेम. तो ऐसा कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हो और लिख रहे हो, उसको प्रिपेयर अच्छे से करो. दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन. सेकेंड, यू नो, वर्क ऑन हाउ यू स्पीक एंड हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ. वी आर इन टू राइटिंग एंड लर्निंग, स्पीकिंग हम ज़्यादा करते नहीं हैं, यू नो, बट इन फ्रंट ऑफ योर मिरर जस्ट सी हाउ यू आर स्पीकिंग, जस्ट रिहर्स सम आंसर्स. कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, यू नो इट्स लाइक वेरी बेसिक, लाइक व्हाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन द सिविल सर्विस, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कैन कम. तो ऐसे क्वेश्चंस पे अपने आंसर्स रेडी रखिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ या वाली हूँ. रिहर्स कीजिए, मैं रिहर्स करती थी मिरर के सामने खड़े होके. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ इन पर्सनैलिटी टेस्ट प्रिपरेशन इज द मॉक इंटरव्यू. लाइक फॉर मी, आई हैड नॉट गिवन एनी इंटरव्यू, सो फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ किसी के भी सामने आंसर देने में. तो आई टुक अप मॉक इंटरव्यूज, आई वेंट टू दिल्ली फॉर दैट. जो भी मुझे इंस्टीट्यूट के मॉक इंटरव्यूज मिले, आई सैट फॉर दैट. उसमें ये भी होता है कि हमारे कुछ वीकनेस होते हैं, कुछ तरीके में हम क्वेश्चंस हैंडल नहीं कर पाते, तो हमें समझ आ जाता है. दे टेल यू, दे गिव यू द फीडबैक, तो देयर यू कैन लर्न दैट. तो ऐसे करके प्रिपेयर योर डैफ, वर्क ऑन योर स्पीकिंग एंड गिव मॉक इंटरव्यूज. दिस 3-phase प्रेपरेशन will be good for the personality test. Perfect. So ye hai bhai 3 success mantras yeah, for your you know personality test preparation, which you should definitely do before your you know interview round. Yes. Great. तो अब तो actually you know हमने सारे ही rounds के बारे में बात कर लिए. अब ये भी समझ में आ गया कि आपने अपनी preparation कैसे की थी. We also got to know a little bit about in the past why did you know you want to take up civil services. Yes. And क्या थी आपकी experiences. Yes. अब now because you know that you know you've achieved that rank, you know that very soon you will be an officer. So उसपे like I just want to know from you कि what is that one thing अगर अभी आगे चल के अगर आपको एक ऑप्शन मिला टू मेक अ चेंज इन अ कंट्री और द सिस्टम, व्हाट वुड बी दैट वन थिंग यू वुड लाइक टू डू. आई रेड सोशियोलॉजी, उसमें आई रेड वन थिंग कि चेंजेस इन द सोसाइटी डोंट हैपन ओवरनाइट, दे टेक टाइम.
So, and I have lots of things in my mind. Matlab, while I was studying, ye padhti thi ki, you know, female literacy rate is low. ये पढ़ती थी कि गर्ल चाइल्ड इज़ ड्रॉपिंग आउट, शी इज़ वर्किंग. तो लगता था यार यहाँ पे क्या कर सकते हैं. ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट वन वेरी बेसिक थिंग विच आई एम वॉकिंग इन विद माई माइंड इज़ वुमेन एम्पावरमेंट. यू नो, इन ऑल फ्रंट्स, व्हेन आई सी यू इंटरव्यूइंग मी, इट्स अ सिंबल टू मी फॉर एम्पावरमेंट. एंड आई वॉन्ट एज मेनी वुमेन और ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स टेक अ प्रोफेशन दैट यू वॉन्ट टू एंड स्टडी. वी आर इन सिटीज, वी आर लकी. Yes. But there are girls out there in areas of our villages, deep down in interiors of India, who don't get a chance to study, who are married off early and who face abuse. So, उन girls को लेके एक वो एक special thing है मेरे mind में कि करना है. दूसरा, for little children, you know, children work in factories and stuff even after the laws and regulations. Yes. थोड़ा उन children को भी, वो भी school में जाए. And you know, India is a young country, but if we are not properly trained and educated, that might be a problem for us. True. So my pledge would be to get the child in school and get him skilled and educated. And the last thing which I have in mind is towards the environment. We have a lot of pollution, global warming stuff. We keep reading about climate change. True. But how we can connect with the citizens of this country and make them, you know, unko stakeholder banaye ki aapka sach mein role hai climate change mein, aap kar sakte hain khud. Because aaj kal ki jo millennials hai, yes, unke sath connect karna is also a very big task. Yes, yes. Everyone. And since we are young, hum agar kuch kahenge to shayad wo jaldi connect kar payenge. To ye kuch cheeze hain which I have in mind. Yeah. But whatever opportunity I'll get, I'll give my everything to it. Perfect. Yes. So I think, Srushti, that brings us to the end of all the questions jo humare aspirants ki preparation ke liye the. Mm-hmm. We just are left with one short round, which is called our rapid fire round. Okay. Jahan pe bas very simple questions aapse puche jayenge, jiske answers aapko ek word ya ek line mein deni hai. Oh. And it's just a fun round to get to know more about you. Okay. Theek hai? Right. So are you ready for your questions? Okay, I'll try. Okay, perfect. So, Srushti, what is that one thing which you are most excited about these days? Meeting new people. Have you ever been arrested? No. So if you would have an option to choose a superpower for yourself, what would you like to pick? Just maybe get invisible and go to places, find out andar mein kya chal raha hai. Bahut cheeze bahar pata nahi chalte ma'am. Ji. Kuch hai andar jo pata karna hai, for the good of people. So if you would have an opportunity to go back in the past, mm-hmm, and kisi bhi historical figure se wapas milne ka, and you know, sit and have a discussion, who would you like to meet? When I was reading modern Indian history, I was really fascinated with the figure of Shaheed Bhagat Singh. And when I read about him, and fir I bought him his book, you know, I'm an Atheist. Okay. Book I read. Lagta tha, yaar, what words, what thoughts at that moment of time, mm-hmm, if I get a chance. You would like, you know, to meet really, him. Really, and talk connect with him. He was the youth icon, and he continues to inspire us. So yes, him. So, a last question. If you get an opportunity to go back in the past and meet 15-year-old Srushti, so aap unko kya advice dete? You know, life ko enjoy kar yaar. Abhi, you know, you have time when tum tension le sakte ho, and you can, you will have time for your career. Enjoy your life, and be as much with your parents, your friends. Because when you get into a job, you know, life tough ho jati hai, aur abhi lag raha hai ki yaar kam time bacha hai. So please connect with your family, aapke friends ke saath, aur big dream rakho. जो है ना उसको बिग ड्रीम ही रखना, क्योंकि फ्यूचर तो अच्छी होने वाली है. ग्रेट. सो दोज वर ऑल द क्वेश्चंस Srushti जो हमारे थे फॉर द रैपिड फायर राउंड, एंड फॉर ऑल दोज अमेजिंग आंसर्स व्हिच यू गिव अस, वी हैव समथिंग स्मॉल हियर फ्रॉम अनअकैडमी फॉर यू. थैंक यू सो मच. यू कैन जस्ट कीप इट डाउन. या. Okay. So thank you for all those answers, and also that in-depth knowledge that you shared for all our aspirants here. I'm sure bahut sare aspirants ko ye help bhi karne wala hoga, even complete new you know, new beginners jo shuru karna cha rahe hai this journey, and yes, just wo ek hichkichahat ho rahi hai ki karu ya na karu, kaise karu, college mein hoon, job karu. So I think this is going to give them that you know, vision to go forward. Okay. Ek message I would request you to give out to all our aspirants, whoever's watching you. Since you have a wide reach, and there'll be people who are watching or giving some other exam, so a basic thing is, have a big dream, and you know, don't fear. कई बार हम middle class family से होते हैं, छोटे शहर से होते हैं, लगता है बड़ा सोचेंगे तो पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं. लेकिन यार सच बताऊँ, सोचना सबसे ज़रूरी है. सोचो, make your dream, and you know, just lug jaw, be determined, be very positive. There are going to be obstacles, there are going to be challenges, but let me tell you, challenges are meant to be challenged. To kuch bhi aa jaye, dare mat, bada goal rakhiye,
जितना बड़ा गोल है उतनी बड़ी मेहनत होगी, तो आप पक्का सक्सीड करोगे। परफेक्ट। तो सही सोच, पॉजिटिविटी, डिटर्मिनेशन एंड दैट गोल। ऑन दैट नोट वी एक्चुअली रैप अप दिस एपिसोड, बट एंड करने के पहले एक लास्ट चीज जो हमारे एपिसोड्स में रहता है कि जो भी टॉपर हमारे यहाँ हमें मिलने आते हैं, दे टैग सम अदर फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स ऑफ देम जिन्होंने शायद सीएससी या किसी भी एग्जाम को यू नो टॉप किया होगा, तो आप किसे टैग करना चाहोगे? You have topped an exam? Yeah. Okay, so I have an uncle of my mind, Ajinkya Deshmukh. He's from Mumbai. He topped the MBA exams. He was like 100% tag. Great. So that's one personal tag. Perfect. So, sir, जैसे कि आपने सुना Srushti has tagged you, तो बहुत very soon हमारी टीम आपसे भी contact करेगी. Just if you could come down, share your preparation journey and tell us your story कि आप जहाँ हो, आप कहाँ कैसे पहुँचे, what did you do, what were the struggles you faced, and I'm sure all our aspirants will be helped with that also. So, Srushti, that brings us to the end of the episode. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. Like I said right from the beginning, when I got to know that okay, Srushti आ रही, I was like great episode. My pleasure. I enjoyed it with you. And thank you so much for this opportunity. That's great, Srushti. Thank you once again for coming here and all the very best for your future endeavors. I hope aap aage bhi jaake bahut acha karo. You become a great officer and we get to hear a lot of good things about all your initiatives. Thank you so much.